धारमऊ संसदीय सीट पर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। फॉर्म के साथ प्रत्याशी मुवेल ने अपना एफिडेविट भी दिया है, जिसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा आयोग के समक्ष पेश किया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, विवेक तनखा, अरुण यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय से एक रोड शो भी किया, जिसका शहर में लोगों ने जमकर स्वागत किया। वहीं रोड शो के बाद में जेएमडी गार्डन में एक सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.12% मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है। इस साल यानी कि 2024 में धार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सावित्री ठाकुर और कांग्रेस से राधेश्याम मुवेल प्रमुख उम्मीदवार हैं। कई लोगों से नामांकन वापस करवा के निर्विरोध चुनाव हो गए, यानी ये क्या मैसेज है? एक जहां 25 लाख लोग मतदान के लिए तैयार थे, अब उनको बिना मत से अपना सांसद मिला, लोकसभा का सांसद, सबसे बड़ी पंचायत का जनप्रतिनिधि मिला। क्या पूरा देश ऐसा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? सवाल ये है। तो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, इंडिया गठबंधन आपके फ्रीडम, प्रेस के फ्रीडम को बचाने की के लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी इस देश के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जो उन्होंने 2014 में कहा, हमने उनसे 5 सवाल आज भोपाल में किए हैं। उनसे हमने कहा कि आप करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सारे करप्ट लोग बीजेपी में क्यों?